सबके लाइफ में कितनी कुछ प्रॉब्लम्स थे, सारे प्रॉब्लम का एक ही हल रहा उनके लिए, ध्यान। आपको लग रहा होगा कि ध्यान से एक्चुअली में ये सारी चेंजेस आ सकती है या नहीं, ये तो आपको करके ही पता चलेगा। और जब हम ध्यान बोलते हैं तो हमारे मन में ध्यान को लेके बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन मारोगे यूट्यूब में या गूगल में तो आपको बहुत सारे तरीके के ध्यान मिलेंगे, बहुत सारे तरीके के मेडिटेशन आपको मिलेंगे। तो फिर कौन सा ध्यान करना चाहिए, कौन से ध्यान के बारे में ये सारे बच्चे बोल रहे थे, ये सारे यंगस्टर्स जो इतने जिनके लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो सुसाइडल से हैज बिकम एम्पावर्ड मास्टर्स, जो जो सोच रहे थे जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब वो लोगों को बदल रहे हैं, उनमें ऐसा परिवर्तन लाने वाला शक्ति क्या है, वो कौन सा ध्यान है जो ये सारे लोग कर रहे हैं, क्या आप वो जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो वी आर द राइट प्लेस, आप सही जगह हो। क्योंकि अभी देखो ध्यान के बारे में सुनना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक उसका रस, उसका लाभ, उसके फायदे आपको पता नहीं चलेगा। इट्स लाइक एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट के बारे में मैं आपको कितना भी बता दूं, अरे वो इतना अच्छा है, उसके वो उसका टेस्ट इतना अच्छा है, इतना इतना सुंदर है, दैट दे ऑलवेज से हम मैं बता नहीं पा सकता। व्हाई? बिकॉज द बेस्ट थिंग टू डू इज आप चॉकलेट खा लीजिए, जब खाओगे तब अपने आप पता चलने लगेगा कि ये क्या है और क्यों इतने सारे यंगस्टर्स पागल है इसके पीछे। मैं खुद ध्यान में, मुझे अराउंड 11 इयर्स हो गया है, मैं जब 20 साल का था, अराउंड 21 इज जब ध्यान इंट्रोड्यूस हुआ मेरे लाइफ में, एंड आई वुड से फिर एंड पता है जरूरी नहीं है आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ध्यान करने के लिए। पता है अगर आपका लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है ना, तब भी ध्यान कर सकते हो, और उससे क्या होगा, आपका लाइफ और बढ़िया चलने लगेगा, यू नो। सो इफ इन माई लाइफ आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं बैंगलोर में ग्रेजुएशन कर रहा था एज अ बिजनेस मैनेजर, एंड इन दैट जर्नी एक पॉइंट आया था कि जहां मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता था कि लाइफ में सब कुछ मैंने कर लिया और ऐसा लगा कि कोई करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, तो मैं पूछता था कि लाइफ में और क्या, बस कमाओ उड़ाओ ऐश करो, यही जिंदगी है या कुछ और है इसमें? इज लाइफ ऑल अबाउट मेकिंग मनी एंड स्पेंडिंग इट, अपने आप को सिक्योर्ड रखना, इसी के बारे में सोचते रहना, क्या लाइफ में इससे ज्यादा कुछ है? बस ये प्रश्न किया था मैंने। जब आप प्रश्न करते हो तो अस्तित्व उत्तर देता है, मेरे लिए उत्तर था हाँ है, और वो घटा मेरे साथ ध्यान में। बहुत ही रैंडम से किसी दिन में आपने, जब किसी भी युवाओं को ध्यान के बारे में बोलने से लगता है कि यार ध्यान, पर जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे साथ जो अनुभव हुआ उसने मेरे मेरा दृष्टि हर चीजों के प्रति बदल दिया। तो ये आपको ट्राई करने से ही पता चलेगा, ध्यान से आपके पूरे सिस्टम, इंटरनल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हम सब लोग अपने नए नए फोन यूज करना चाहते हैं, नए गैजेट्स, नए फोन, नया टेक्नोलॉजी, न्यू आईफोन, न्यू वन प्लस, न्यू फोन्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, वी वांट टू अपग्रेड एवरीथिंग, लेकिन यूज करने वाला तो वैसा ही रहेगा यार, फोन स्मार्ट होते जा रहे हैं, हम नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, हम अपने आप को कैसे आगे निकालें। सो माय फ्रेंड, मेडिटेशन इज दैट वन टूल जो आपको हर लेवल में अपग्रेड कर सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे लाइफ में सब कुछ था, फिर ध्यान क्यों मेरे लिए? मेरा तो हेल्थ ठीक है, मेरा तो माइंड ठीक है, मैं तो मजे में रहता हूं, लेकिन फिर ध्यान क्यों मेरे लिए? उसको अपग्रेड करने के लिए। आपका इंटरनेट चल रहा है, 4G में चल रहा है, 2G में चल रहा है इंटरनेट, बढ़िया यूट्यूब वीडियो भी खुल जा रही है, बट वी वॉन्ट 4G, वाई? सो दैट इट स्ट्रीम्स फास्टर, आई कैन सी HD, वी वॉन्ट टू अपग्रेड एवरीथिंग इन लाइफ, राइट? हमारा अनुभव को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। जितना प्यार आप आज महसूस कर रहे हैं अपने आप के लिए या किसी और के लिए, उसे लेवल अप किया जा सकता है। हर इमोशन, हर अनुभव हमारे अंदर घटता है, उस सारे अनुभव को हम अपग्रेड कर सकते हैं। आनंद, खुशी, प्यार, उसे और आनंद में कन्वर्ट किया जा सकता है।
joy, happiness can be converted to joy. Joy can be converted to bliss, and on and on and on. So there is always a greater possibility of love. There is always a greater possibility of joy. आप जो अंदर महसूस कर रहे हो उसका एक और स्तर है, एक और हायर लेवल है जिसमें आप जा सकते हो. सो इट्स टाइम वी अपग्रेड ourselves. हम अपने आप को अपग्रेड करें, और ध्यान वो अल्टीमेट चीज है जैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, वो अपने आप घटता है. तो क्या आप करना चाहेंगे मेरे साथ ध्यान? सिर्फ 10 मिनट अगर करना चाहेंगे, अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं, अगर आप इसे फील करना चाहते हैं कि ये चीज क्या है जिससे इतने लोगों को फायदे हुए, तो मैं चाहूंगा आपको एक शांत से जगह में आप चले जाएं. फाइंड अ पीसफुल स्पॉट फॉर योरसेल्फ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. अगर कहीं बहुत शोर शराबा हो रहा है आपके चारों तरफ, तो किसी भी एक रूम में चले जाए जहां पर आप शांति से बैठ सके विदाउट डिस्टर्बेंस. पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड जस्ट रिलैक्स. ये जो ध्यान हम कर रहे हैं या ये सारे लोग कर रहे हैं, इसे कहते हैं अनापान सति ध्यान. अनापान सति, अना यानी इन ब्रेथ, पाना मीन्स द आउट ब्रेथ, सति मीन्स बीइंग वन विद द ब्रेथ. जब हम ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, तो एज आई सेड, गूगल में आप जाओगे तो बहुत सारे मेडिटेशन के बारे में आपको पता चलेगा. तो कौन सा ध्यान किया जाए? व्हाई अनापान सति? अब देखो, अगर क्रिकेट सीखना है तो सचिन के पास जाना चाहिए कि नहीं? अगर जा सकते हो तो, है कि नहीं? या धोनी के पास भी जा सकते हैं. वी वॉन्ट टू गो टू द बेस्ट, वी वॉन्ट टू गो टू द लेजेंड ऑफ द क्रिकेट. द सेम वे अगर मेडिटेशन सीखना है तो लेजेंड कौन है मेडिटेशन का? कौन हर समय ध्यान में बैठा रहता है? बुद्धा. बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ मेडिटेशन. ही वॉज द वन हू रियलाइज, उन्होंने ही समझा कि ध्यान से ही आपको आत्मज्ञान भी हो सकता है और आप अपने लाइफ में हर कुछ चीजों को बदल सकते हैं. तो बुद्धा ने ध्यान सिखाया, बुद्धा ने ध्यान इनोवेट किया, और उन्होंने ही ये ध्यान सिखाया जिसका नाम है अनापान सति. ये पाली लैंग्वेज में बोलते हैं इसे अनापान सति. अना माने इन ब्रेथ, पाना मीन्स आउट ब्रेथ, सति मीन्स बिकमिंग वन विद इट. तो करना क्या है हमें? अगर आपने आप comfortable spot ले लिया है, if you found your comfortable spot where you are, then remember only 3 things. आपको 3 चीज करनी है. पहला, अपने आप को relax छोड़ देना है. ये कोई mental activity नहीं है जिसमें आपको बहुत जोर लगाना है या बहुत हड़बड़ी में करनी है या एकदम ऐसे नहीं. You have to, जितना आप अपने आप को ढीला छोड़ेंगे, जितना आप अपने आप को relax छोड़ेंगे, उतना ही अच्छे से ये घट सकेगा. ये होता है, ये नींद जैसा है. आप जितना नींद को ट्राई करेंगे उतना ही मुश्किल होगा. जब छोड़ देंगे अपने आप नींद आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. कुछ वैसे ही ध्यान है, घटता है, करना नहीं. 3 steps. First is to relax. अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दे, अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर ले, पांव को आलती पालती मार ले, क्रॉस योर लेग्स, पुट योर हैंड्स लाइक दिस. हम ऐसा करते हैं ताकि जब शक्ति, जो ऊर्जा महसूस होती है, जब आप एनर्जी आता है आपके बॉडी में व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, तो इट क्रिएट्स अ ग्रिड एंड यू डू नॉट लूज एनर्जीज. तो फर्स्ट इज रिलैक्स एंड क्रॉस योर हैंड्स एंड लेग्स. सेकंड इज टू फील योर ब्रीदिंग. आपने सुना होगा, देविका ने बहुत अच्छे से बताया कि आपको सिर्फ अपने नेचुरल ब्रेथ को फील करना है, जो सांसें अपने आप चल रही हैं, अपने आप. अभी आप बात कर रहे हो, मैं आप सुन रहे हो, सांसें अपने आप चल रही है, सांसों को लेना नहीं पड़ता है, वो अपने आप चलता है. क्योंकि आपके शरीर को, जिस तरीके से आपके हार्ट को, योर हार्ट नोज किस पेस में बीट करना है, उस तरीके से आपको सांस को भी पता है किस तरीके से सांस को चलना है. जब आप गुस्सा होते हो तो अपने आप सांसें बढ़ जाती. सो कीप योर, आप अपने सांसों को छोड़ दीजिए, उसे प्रकृतिक रहने दीजिए, और जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए. बस उसे महसूस करें, उसे कॉन्सेंट्रेट ना करें, उसे महसूस करें. फील द वॉर्म, उसकी गर्म गर्माहट को अपने नाक के अंदर से आते हुए महसूस करें, उसके ठंडक को बाहर जाते हुए महसूस करें. जस्ट फील द वॉर्म्थ ऑफ द ब्रेथ गोइंग इन एंड कमिंग आउट. सांसों को महसूस करना है, प्रकृतिक नेचुरल ब्रीदिंग. थर्ड स्टेप इज सरेंडर, अलाउ, लेट गो. उसके बाद जो होता है उसे होने दीजिए.
सांसें चल रही हैं, आंखें बंद हैं, आप सांसों को महसूस कर रहे हो, उसके बाद जो हो रहा है बस उसे होने दीजिए, बस उसे होने दीजिए। तो अगर आप तैयार हैं तो अभी हम 10 minutes वी विल मेडिटेट। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा, दैट विल बी जस्ट फॉर द बैकग्राउंड टू फिल द स्पेस। फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस। 15 minutes of relaxed, chill time with all of us. So wherever you are, close your eyes. अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दें, relax, और अपने सांसों को महसूस करें। आपको और आपकी सांसें हैं, जस्ट यू एंड योर ब्रेथ, बस उसे महसूस करें, छोड़ दें। बाहर जाते हुए महसूस करें। और अपने आप पूर्णतः ढीला छोड़ दें। Completely relax yourself. Feel the softness of the breath, softly moving in and softly moving out.
और हर एक सांस के साथ अपने आप को ढीला छोड़ दे, ढीला जाए और जो होता है होने दे, बस आंखें ना खोले, जो चल रहा है बस उसे चलने दे,
छोड़ दे अपने आप को और डूबते चले जाए। बस आप और आपकी सांस। कभी भी अकेले नहीं है, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर है, पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर है और यही वो द्वार है मूलतः महसूस करें कुछ भी आपके साथ हो रहा है। जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है जस्ट अलाउ, उस होने दीजिए। रहते जाए और डूबते जाए।
आखिरी एक मिनट पूर्णतः अपने शरीर को महसूस करते हुए ये सारी एनर्जीज को, कामनेस को, पीस को महसूस करते हुए, याद रखते हुए जो कुछ भी आपके साथ इस पलों में हुआ, धीरे धीरे अब दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें पांच सेकेंड तक। पांच, चार, तीन, दो, एक। अब अपने हाथों को देखते हुए धीरे से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये था उस ध्यान का एक छोटा सा झलक जो इस कम समय में हम दे सकते थे, हमने दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये ध्यान अगर हम प्रैक्टिस करें तो सब कुछ बदल सकता है, जैसे आपने सुना होगा। तो 40 डेज, टेक अ 40 डेज चैलेंज, 40 दिन 15 मिनट 20 मिनट जितना कंफर्टेबल है करिए।